हम हैलोवीन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं। मे बी जो हम सोचते कि हम बने वो बन नहीं पाते, तो इसीलिए हैलोवीन में बन के चले जाते हैं। आई डोंट नो, नो कोई मिल ही नहीं रहा यार जिसको पता हो हैलोवीन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। पूर्वजों को याद कीजिए, उनको थैंक यू कीजिए, बोले कि भाई आइए देखिए आपके पीछे सब लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है सबको पता होगा कि हैलोवीन क्या है। आई जस्ट नो कि उसमें मतलब हम स्पूकी ड्रेसेस वगैरह ये सब पहनते हैं। मैं तो डेफिनेटली पार्टी की वजह से ही जा रहा हूं। नरक चतुर्दशी क्या होता है? No, I have just heard Narak. That's hell. The message should be loud and clear that go celebrate everything and be good humans. हैप्पी हैलोवीन गाइस। तो हैलोवीन जो है वो शुरू हो चुका है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, हर जगह हैलोवीन पार्टीज की पिक्चर्स जो है वो देखने को मिल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर देश का मूड जाने और लोगों से पूछे कि क्या उन्हें सच में पता भी है कि हैलोवीन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है आपको हम हैलोवीन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नो आइडिया, आई जस्ट नो कि उसमें मतलब हम स्पूकी ड्रेसेस वगैरह ये सब पहनते हैं। मे बी जो हम सोचते कि हम बने वो बन नहीं पाते, तो इसीलिए हैलोवीन में बन के चले जाते हैं। कुछ आइडिया कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है सब कुछ? नो, नॉट रियली। इट इज अ डे टू सेलिब्रेट आवर एंसेस्टर्स, देयर लाइव्स एंड विद सम स्पूकी फन। सो दैट फन हैज बीन टेकन इनटू इफेक्ट एवरीवेयर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वी एज अ कंट्री so like diverse and we celebrate all the festivals, so it became a part of our culture also, especially in the youngsters. आप पहले इंसान मिलो जिनको पता है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वरना हमने लोगों से पूछा, कहते पार्टी कर रहे हैं, मस्त फैंसी थीम पार्टी हो रही है, हमें मजा आ रहा है, इस वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे जो भूत प्रेत अजीब अजीब सी शक्लें बना के लोग चल रहे होते हैं, मे बी वो देखना चाहते हैं कि हम मेकअप के साथ, वो भी डिजास्टर मेकअप के साथ कैसे लगेंगे। कोई आइडिया नहीं, ब्लैंक, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। पार्टीज अटेंड करी है हैलोवीन्स की बहुत सारी। स्क्रीम मूवी वाला मास्क है एक बार तो वो पहन के चला गया था, और एक बार वो रेड कलर के जो ऐसे आते हैं एक बार वो पहन के चला गया। बच्चे ड्रेसअप करेंगे, कुकीज मिलेगी, लोगों के घर जाएंगे, दे शेयर गुड फेथ एंड गुड फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, बट द कोर द सेंट्रिसिटी इज कि हाँ अपने पूर्वजों को, उसको थैंक यू, पूर्वजों को याद कीजिए, उनको थैंक यू कीजिए, बोले कि भाई आइए देखिए आपके पीछे सब लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। पंपकिन का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें हैलोवीन में? टू मेक द स्पूकी फन अ पार्ट ऑफ इट, a pumpkin became a part of the you know whole ritual. It is put to decorate, you know, more than anything else. So the cheapest accommodation that they could found is ki pumpkin kona wahan pe bahut zyada hota hai, bade bade hote hain, it goes to waste. What we do after a pumpkin is ripe, it's not going to market, it's not gonna sell. उसको काव किया, उसके अंदर लांटेन जनाया, वो फिर स्केरी फेसेस बना के उससे अपना प्रयोग करते हैं। मतलब क्या आपको पता है कि नरक चतुर्दशी क्या होता है? नहीं। No. आपने कभी सुना इसका नाम? No. So mostly a day which is after the पितृपक्ष. ये पितृपक्ष के ही अराउंड है, I think दिवाली से भी कुछ लेना देना है इसका। दिवाली से ठीक एक दिन पहले। Exactly. हम लोग वेस्टर्न कल्चर के भी इस तरह के फेस्टिवल्स को यहाँ पर अब ज्यादा सेलिब्रेट करने लगे हैं, सब चीजों को चेरिश करते हैं। I think as a country, if you are to grow today, you have to be open-minded society. Right. हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम हिंदू फेस्टिवल्स, हम ईद सेलिब्रेट करते हैं. That has been the concept of India from day one. फेस्टिवल कोई भी हो गाइस, सेलिब्रेट करो, दिल से सेलिब्रेट करो और प्यार बांटो, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। Exactly, exactly.